चुनाव का बिगुल बज चुका है और तमाम लोग वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच आप यहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच घमासान भी देखेंगे, जहां पर दावा किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि वो बहुमत के साथ जीतते हुए नजर आएगी, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से ये उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार जनता कर्नाटक में विकास चाहती है, बदलाव चाहती है। तमाम तरीके से कोशिशें की जा रही हैं कि यहाँ पर कांग्रेस अपनी पार्टी बना सके, भारतीय जनता पार्टी फिर से यहाँ पर अपनी सरकार बना सके, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के हाथ एक ऐसा ऑडियो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लगा है जिसके बाद सच्चाइयाँ खुलकर सामने आ जाती हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। ये ऑडियो होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। पहले आप ये ऑडियो सुनिए और उसके बाद आपको पूरी खबर बताएंगे। पहले इस ऑडियो पर नजर। जब आप वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने और गैस जिस प्रकार से महंगा कर दिया है। जैसा कि आपने वीडियो देखा, इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज़ साफ तौर पर जाहिर होती हुई नजर आई है। ये पिछले चुनावों की बारी है जब चुनाव के दौरान यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहती थी। ऐसे में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि यहाँ पर अगर आप बदलाव चाहते हैं, कर्नाटक में विकास चाहते हैं, कर्नाटक को आगे तक बढ़ाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप सबसे पहले गैस सिलेंडर को नमस्कार करके जाइए। यहाँ पर वो महंगाई के मुद्दों को उठाते हैं क्योंकि 2014 से पहले तो जो महंगाई थी वो आज की महंगाई से कई गुना ज़्यादा थी, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं, क्योंकि 2014 के बाद जो गैस सिलेंडर 1000 पार पहुँच चुके हैं, वो 2014 से पहले जो 1000 तक भी नहीं छुए थे वो महंगे नज़र आ रहे थे। तभी तो यहाँ पर स्मृति ईरानी भी तो सर पर सिलेंडर लेकर सड़कों पर उतर आई थी और महंगाई है महंगाई के नारे लगाती हुई नजर आ रही थी। ये महंगाई इतनी बढ़ गई थी कि तमाम जनताओं के दुख को वो देखती हुई नजर नहीं आई जो 2014 के बाद दिखाई दे रहा है। तमाम जनताओं की बात करें तो जो जनता है यहाँ पर महंगाई के मुद्दों को लेकर आज दो वक्त की रोटी के लिए परेशान होती हुई नजर आती है, क्योंकि आज एक घर में अगर काफ़ी लोग हैं तो एक शख्स कमा कर नहीं खा सकता। वहाँ पर ज़रूरत पड़ती है कि तमाम लोग भी काम करें और काम के ज़रिए यहाँ पर पैसा इकट्ठा कर सकें, क्योंकि हमारी सरकार ने तो लाचार बना दिया है जनता को। इसी वजह से अब कर्नाटक में बदलाव के लिए कांग्रेस ये मुहिम उठा रही है कि सच्चाई देखिए कि कैसे प्रधानमंत्री यहाँ पर ये तमाम चीज़ें करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच आप ये भी देखेंगे कि तमाम लोग कांग्रेस की तरफ से गैस सिलेंडर को अब नमस्कार करके जा रहे हैं कि भैया अब महंगाई देखिए, अब की तस्वीरों को दिखाइए, क्यों आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हुए नजर नहीं आ रहे। तो ये सच्चाई खुल गई है कि कर्नाटक में कौन जीतता हुआ नजर आ रहा है। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय कि क्या कुछ बदलाव होगा कर्नाटक में, किसकी सरकार बनेगी, क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।